अगर आप ये चाहते हैं कि यूपीएस पर आपके घर के पंखों की रफ्तार वापडा से भी ज्यादा हो तो याद रखिए, आपकी ये ख्वाहिश तबाही है यूपीएस के लिए। आप एक अहम बात बताने वाले थे कि एक और चीज जो है वो अगर वो ये है कि जब कस्टमर उससे लेके जाए ना, अब बन गया यूपीएस, यूपीएस लेके जाए तो उसको कहे जनाब मुझे सॉकेट पे वोल्टेज कितने आपने दिए, सॉकेट पे वोल्टेज बैटरी जब बैटरी पे बैटरी मोड में होगा यूपीएस में तो सॉकेट में मेरे पास कितने वोल्टेज आएंगे। अच्छा, यानी कि जब वापडा की बिजली नहीं आ रही तो और आपका यूपीएस चल रहा है बैटरी से, तो यहाँ जो सॉकेट लगा हुआ है उसमें वोल्टेज कितने वोल्टेज आ रहे हैं? हाँ, तो वो तकरीबन आपके 245 से 250 वोल्ट तक होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा होंगे तो आपका जो बैटरी ड्रेनेज है वो स्पीडली होगा, बैटरी ड्रेन होगी स्पीड से। अच्छा, ठीक है, लॉसेज में चला जाएगा ना, क्योंकि वो नॉर्मली क्या करते हैं हमारे लोग, क्या करते हैं वोल्टेज बढ़ा दिए, लो ये पखे स्पीड बढ़ गई, 300 वोल्ट कर देंगे ना, उस तो बाद वो बैटरी बैकअप नहीं देंगे, उससे आपकी एम्प्लॉय से जलने का खतरा भी होता है। हाँ, वो चार्जर ज्यादातर मोबाइल के चार्जर ज्यादा, मोबाइल के चार्जर जल जाते हैं और भी घर की चीजें जो कि उसके ऊपर हों वो जल जाती हैं जो आपने यूपीएस पे लगाई हुई हो। और अहम बात यह है कि आपने उससे उस वक्त ये चेक करना है कि वो सिर्फ वोल्टेज ज्यादा ना की, वो चेक कैसे होगा? वो चेक वो अपने मीटर से चेक करवा देगा आपको, डिजिटल मीटर से, मीटर से आप उसी वक्त चेक, वो डिजिटल मीटर से आपको उसी वक्त चेक करवा देगा, लें जी बैटरी पे लगा दी है मैंने तो यहाँ से वोल्टेज चेक कर ले, मेक श्योर करेंगे आपकी जो वोल्टेज है वो 240 से 250 के दरमियान हो, तो उसका मतलब ये है कि आपके घर की सेटिंग अच्छी है, सेटिंग अच्छी है, आपके घर के पंखे वंखे लाइटें वगैरह ठीक तरीके चलेंगी, जलेंगी भी नहीं और आपकी बैटरी की लाइफ भी ज्यादा होगी। लोड शेडिंग के अजाब में यूपीएस का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। नया यूपीएस चलाते वक्त एक और बात का पता होना बहुत जरूरी है, जी हाँ, एक इंतहाई पते की बात। जब ले जाए यूपीएस उसके बाद घर जाए कम से कम 24 घंटे में एक दफा बैटरी को जरूर ऑब्जर्व करें कि कहीं गर्म तो नहीं हो रही। जहीर भाई, अगर गर्म हो रही हुई तो क्या मसला होगा? इट्स मीन कि वो ओवर चार्ज कर रहा है, ज्यादा चार्ज कर रहा है, ओवर चार्ज कर रहा है, उसकी चार्जिंग कट ऑफ नहीं हो रही उसकी चार्जिंग, ठीक है, उसमें भी वो जो आपने कही ये जो एक इसमें एक स्मार्ट सा कार्ड लगा होता है वो सारे बताते हैं उसको कितना चार्ज करना है, इतना नहीं करना चाहिए, तो अगर अच्छा ओवर चार्ज होगी तो उसमें भी जिंदगी मतलब जो उसकी लाइफ उसमें क्या होगा, उसमें तो बहुत जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है ना, उसके सेल जो है वो जल्दी एसिड जो है वो एसिडिटी बन रही होती है ना, असल में जब चार्जिंग हम कर रहे होते हैं ना तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो उसमें तो वो एसिड की क्योंकि ग्रेविटी बढ़ रही होती है उस कंडीशन में, वो जारी बात है उसने जो मेटल है उसको ज्यादा खाना है।